आज मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नासिर खान के निवास पर पहुंचे, जहां श्री नासिर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर नासिर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं से श्री गोविंद सिंह राजपूत का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में और देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य राजनीतिक सवालों के जवाब भी दिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री नासिर खान के निवास पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 20 के अध्यक्ष पुखराज राठौर, शहर कांग्रेस महामंत्री कमलेश पटेरिया, शहर सचिव राहुल सिंह धाकरे, अनिल कामरे, तनवीर खान, सचिन नरवरिया, रवि राजपूत, लोकेंद्र राठौर, विजय तिलवे, राजेश यादव, मुकेश यादव एवं जुबैर खान ने स्वागत किया। शासन के कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद राजपूत जी पधार रहे हैं, राजस्व परिवहन मंत्री हैं और मेरे वहाँ एक सौजन्य भेंट करने आ रहे हैं, क्योंकि मैं 20-25 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मेरे वहाँ आने की बोला है कि मैं आपके यहाँ आऊँगा। अच्छी बात है ना, ये कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगी इससे, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ताकत मिल रही है यदि मंत्री और हमारे आदरणीय महाराज साहब आ रहे हैं तो। हाँ, उत्साह है, वातावरण उत्साह का वातावरण बना हुआ है पूरे इंदौर शहर के अंदर। बहुत गलत चल रहा है देश के अंदर, ये बांटने का कानून है ना कि जोड़ने का कानून है। करते रहे हैं, आज भी अगर कोई महिला अधिकारी है उसकी चोटी खींचना मैं समझता हूँ कहाँ की नैतिकता है। ऐसे में अगर कोई जवाबी कार्रवाई किसी महिला अधिकारी ने, कलेक्टर ने या डिप्टी कलेक्टर ने कर दी तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। अब यही तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है ना। बात करते हैं रुचिता की, बात करते हैं इस सज्जनता की, आज जिस चीज़ का विरोध करने गए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से उनकी जुबान जो है बहक रही है या जानबूझ कर रहा है, गलत है। जीतू पटवारी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और मैं समझता हूँ कोई बात ही होगी तभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई। देखिए, ये हर व्यक्ति को मालूम है कि हमको सरकार खजाना खाली मिला, इस बात को हम लोग कई बार कह चुके हैं और हम लोग क्या कह चुके हैं इस बात के लिए, उनके जो पूर्व वित्त मंत्री थे जयंत मलैया ने स्वयं कहा था कि हमने खजाना खाली सौंपा है। पर अब हम लोग खजाना खाली होने का रोना नहीं रो रहे, जो बन रहा है जनता के लिए कर रहे हैं। ऋण माफ़ी की हमने की है, हमने अभी आपने अतिवृष्टि में पैसा ही बांटा है, ऋण माफ़ी का दूसरा हमारा चरण शुरू होने वाला है, तो जो जो वचन पत्र में कहा है हम करेंगे और आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की अच्छी।